हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, सुबह के बज चुके हैं 7। मैं नहा चुकी हूँ और नहा के मैं आपको ये देखिए सुबह का भी दिखा रही हूँ, सूरज कितना ऊपर चढ़ चुका है। एंड बस अब मैं अंदर जाऊँगी। ये देखिए, कान्हा जी भी पूजा हो चुकी है, मम्मी ने पूजा किया, मैं अभी पूजा नहीं कर सकती। तो चलिए, मैं आधी तैयारी कर चुकी हूँ वैसे भी। ये देखिए, रसोई में लगभग सब काम हो चुका है, यहाँ दलिया बन चुका है, थोड़ा बहुत रह रहा है बस बनने के लिए। एंड मैं वैसे भी पूरी तैयारी कर चुकी हूँ लंच बनाने के लिए भी। ये देखिए, आटा भी लग चुका है, इधर सब्जी बन चुकी है, चाय भी बन चुकी है। ये दोनों भाइयों के मैंने सब्जी पैक करके रख दिया टिफ़िन में। समीक्ष का दूध भी गर्म हो चुका है एंड सब कुछ साफ़ है, बस अब मैं रोटी बनाऊंगी। ये लोटा जो आप देख रहे हैं, ये मैंने इसलिए नहीं धोया है क्योंकि अभी समीक्ष के पापा भी मंदिर जाएंगे, वो सुबह मंदिर जाते हैं, तो बस अब मैं रोटी बनाऊँगी। तो बस अब मैं यहाँ लंच पैक कर रही हूँ एंड ये मंदिर जा रहे हैं। अब ये थोड़ा अभी बस इसमें जा रहे हैं लोटा लेकर, अपना जो रोज़ लेकर जाते हैं ये मंदिर चले जाएंगे। मैं लंच पैक कर दूँगी इतने, फिर हम दोनों ब्रेकफास्ट साथ में ही कर लेंगे। कभी कभी टाइम मिलता है साथ में ब्रेकफास्ट करने का, मोस्टली नहीं मिलता। बस अब मैं लंच पैक कर दूंगी।
एंड एक और बात, मैं अभी रोटी सिर्फ इन दोनों भाइयों के लंच के लिए बनाऊंगी, एंड समीक्ष के पापा जो खा कर जाते हैं बस उनके लिए उतनी ही रोटी बनाऊंगी। अभी मैं पापा की नहीं बनाऊंगी, पापा लेट जाते हैं 10 बजे, तो मैं उसी टाइम 9 सवा 9 बजे करीबन बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी। हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल सालू कटारिया ब्लॉग। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपसे, 12 बज चुके हैं, आपने मेरा सुबह का रूटीन देख ही लिया, थोड़ा बहुत जो भी दिखाया मैंने, तो अभी बस सब काम हो चुका है। अब मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे से ही आई थी, मतलब पहले रोटी बनाने दोपहर के लिए, अब रोटी नीचे जा चुकी है, अब मैं अभी नीचे जा रही हूँ, नीचे खाना खाऊँगी, अब पूरा दिन नीचे रहूँगी, फिर मैं सीधा शाम को आऊँगी, शाम की चाय के टाइम पे। तो मिलते हैं आपसे बाद में, काम भी मेरा सारा हो चुका है वैसे, तो बस अब खाना है खाना है, और छोटे बेटे को लेके लेटना है, बस काम खत्म। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। तो गाइस देखिए, जैसा कि आपको पता है अभी मैं ऊपर नहीं गई हूँ, शाम के 6 बज चुके हैं, बट अभी ऊपर नहीं गई हूँ, तो क्योंकि मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो दिखाती हूँ आपको मैं क्या काम कर रही हूँ। ये देखिए, यह है मम्मी की साड़ी, इसकी थोड़ी सी फॉल उधड़ गई थी, मतलब अलग हो गई थी धागे से, तो अब ये दोबारा लगा रही हूँ मैं। मम्मी ने इसको सील दिया एंड कच्चा भी कर दिया, बस थोड़ा सिंपल सा काम रह रहा है, यही मैं ही कर रही हूँ बैठ के, मम्मी को इस टाइम थोड़ा कम दिखता है इसीलिए। तो बस अब मैं पहले ये लगा लूँगी, उसके बाद में मैं ऊपर जाऊँगी आज, फिर खाना बनाने की तैयारी करेंगे। तो गाइस देखिए, टाइम हो चुका है, 8 बज चुके हैं, मैंने खाना लगभग बना ही लिया है, तो बस मैं आपको इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरी जो छोटी सिस्टर है, मतलब कजन है, उसका फ़ोन आ गया था आज कई दिनों बाद, तो बस उसी से बात करने लग गई थी मैं, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखा पाई। तो कोई बात नहीं, ऐसे जो रेडी हो चुका है मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी रोटी भी रह रही है तो बस दिखाती हूँ, चलिए। तो ये देखिए गाइस, मैंने रोटी के लिए आटा ये लगा दिया है, ये देखिए दाल भी बन चुकी है, ये काली मसूर की दाल है जो मलका मछली भी बोलते हैं उसे, ये चावल भी बन चुके हैं, ये मैंने अपने दोनों बेटों के लिए भी कर दिया है, ये बिना मिर्च वाली उनकी निकालनी पड़ती है दाल, अभी मैंने कर दिया, मैं उन्हें देख आऊँगी नीचे। ये देखिए रसोई में मैंने अभी गैस वैस साफ़ कर दिया, बस अभी मुझे रोटी बनानी है, एंड ये देखिए इधर अभी ये बर्तन ले रहे हैं, इससे पहले मैं ये बर्तन साफ़ करूँगी, तो चलिए चलते हैं, पहले खाना देकर आती हूँ नीचे, उसके बाद में मैं आके ये बर्तन करूँगी, फिर रोटी बनाऊँगी। जैसा कि आपने देखा, मैंने
रोटी भी बना ली थी एंड खाना सब खा चुके हैं, मेरे दोनों बच्चे भी सो चुके हैं। मैं इसीलिए बाहर हॉल में आके इसका वीडियो का एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। वैसे तो छोटा सा ही ब्लॉग है बट थोड़ा सा मैंने फिर भी बना ही दिया कोशिश करके। आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।